बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और आलू का सालन। और ये बहुत ही इजी तरीका है। और अक्सर क्या होता है, मटन में तो आलू गोश्त का सालन बहुत अच्छी तरह बना लेते हैं क्योंकि प्याज गल जाती है। हमारी अक्सर शिकायत होती है कि चिकन में हमारी प्याज गलती नहीं है, तो अगर हम इस तरीके से, मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ बनाएंगे, तो इसमें ज़रा भी प्याज नज़र नहीं आ रही है। और फिर जल्दी से चलिए, और फिर इसमें मसाले हैं जिसे हमने डालेंगे, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। और फिर चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले हमने एक पैन में तेल डाल दिया है, आधा कप तेल अच्छा गर्म है। और ये है एक दो दालचीनी के टुकड़े, चार लौंग, एक बड़ी इलायची, ये इसमें हम डाल दिए हैं। और ये हमने आधी प्याज को एकदम स्लाइस कट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे और प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लें। प्याज ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें चिकन शामिल, अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो टेबलस्पून, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसकी स्मेल, जैसे अदरक लहसुन की खत्म होती है, इसको हम भूनेंगे। अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन गया है और ये आधा किलो चिकन है, ये इसमें हम डाल देंगे। हम यहाँ बोले यूज कर रहे हैं, आप बोल वाला भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम जब तक अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर पूरा चेंज ना हो जाए। देखिए चिकन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें प्याज है जिसको हमने पीस लिया है, और इसमें पानी ज़रा भी हमने शामिल नहीं किया प्याज पीसने में। इसको डाल के हम अच्छे से, इसको भी अच्छे से पानी जब तक सूख जाए इससे प्याज का, और ये भून जाए जब तक हम इसको और भून लेंगे। देखिए प्याज कितने अच्छे से हमारी भुन गई है, ये पूरा ऑयल भी अच्छे से हो गया है सेपरेट। और अब हम इसमें कुछ मसाले वो डाल देंगे, ये एक टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची, एक टेबलस्पून रेगुलर लाल मिर्ची, सबको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। गैस हमने स्लो रखी है ताकि हमारे मसाले जला नहीं। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसमें ये हमने एक टमाटर है, उसमें तीन हरी मिर्ची हमने इसमें पीस लिए है, ये इसमें हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। इसको कवर करके हम अभी 10 मिनट के लिए रख देंगे, ये थोड़ा सा भून जाए। उसमें हम डाल रहे हैं आधा कप जितना पानी और इसको ढक के कवर करके 10 मिनट तक के रख देंगे। 10 मिनट बाद फिर हम इसे देखिए, जब तक हमारा मसाला भून रहा है जब तक हम कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। ये जायफल का टुकड़ा है, एकदम छोटा सा, 1/4 समझो आप साइज का जायफल का। और ये थोड़ी जावित्री और दो हरी इलायची, इनको हम पीसी के हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं, यहाँ हमने दो बड़े साइज के आलू लिए थे, उसको बड़े बड़े इसमें कट कर लिए और इसको भी अच्छे से हम भून रहे हैं। और इसमें हम अब मसाले डालेंगे थोड़े, और ये गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, और ये भी आपको हमने जो दिखाया था जायफल, जावित्री और इलायची उसका पाउडर है, ये डाल देंगे इसमें। और इसको अभी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए और भून लें अच्छे से। अभी तक इसमें हमने नमक नहीं शामिल किया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब
आलू के साथ भी मसाले अच्छे से भून लेंगे। देखिए आलू के साथ भी मसाला अच्छे से भून गए हैं। अब हमने यहाँ पर तीन हरी मिर्ची और ये हरा धनिया, इसको हमने डाल देंगे इसमें। और इसमें हम डालेंगे गिलास भर के पानी, यहाँ हम दो गिलास पानी डाल रहे हैं क्योंकि ये आलू भी गलना है और ये थोड़ा पतला ही सालन बना रहे हैं हम आलू, क्योंकि ये पतला ही मज़े का लगता है ये। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक हमारे आलू अच्छे से गल ना जाए। आप नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना। चलिए फिर देखते हैं इसको, आलू जब तक गलते हैं। फिर देखिए हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये भी अच्छे से बन गया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिए। देखिए आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, बस इससे ज़्यादा हमें गलाना नहीं है क्योंकि ये इतना काफ़ी होता है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन आलू का सालन रेडी हो गया है। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। इसको हमने सर्विंग प्लेट पे निकाल लिया है, ऊपर से हमने हरे धनिया की गार्निश की है और ये खाने में भी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है इसमें। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें ज़रा भी देखिए प्याज नज़र नहीं आएगी आपको और जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। फिर चलिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे।